नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल 9 अगस्त के दिन ALP टेक्नीशियन की पहली परीक्षा हुई और दोस्तों आज हम लाए फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में आए हुए कुछ मैथ के सवाल। दोस्तों, ये मैथ के सवाल में हो सकता है अंकों में कुछ परिवर्तन हो, लेकिन कुल मिलाकर जो थर्ड शिफ्ट में हमें जो क्वेश्चन प्राप्त हुए वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है संख्याओं में कुछ परिवर्तन ज़रूर हो, तो उससे हेडक मत लीजिएगा। वहाँ भी आपको आने वाले समय में या जो भी परीक्षा देंगे वहाँ संख्याओं में ही परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन उसी तरह के मिलेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन था इस तरह का था, y बराबर 3x, z बराबर 2y, तो x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करना था। तो दोस्तों, अगर हम इसे ही करने की कोशिश करें तो x, y की जगह हमारे पास है 3x, ठीक है, और z की जगह रख सकते हैं यहाँ पर, ये दे रखा है आपका 2y, ठीक है। y बराबर हमें दे रखा है 3x, तो x प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3x कह सकते हैं। तो यहाँ से निकलेगा x प्लस 3x प्लस 2×3 6x, तो 6 और 3 9 10x, तो x y z का जो मान हो गया वो हो गया 10x, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइन थीटा और कॉस थीटा के जो मैक्सिमम मान होते हैं ना वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, साइन थीटा कहें या कॉस थीटा कहें, साइन थीटा कहें या कॉस थीटा कहें, इनके जो मैक्सिमम मान होते हैं ना +1 से -1 और -1 से +1, ये मैक्सिमम और मिनिमम मान होते हैं, ठीक है। इतना ही आपको जवाब देना था। अगला सवाल था x प्लस 1/x, ये दोस्तों स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x बराबर 3, तो इसका मान हमसे पूछा था। तो दोस्तों, सिंपल है, x प्लस 1/x ये वाला लेंगे, बराबर इसे कर देंगे 3 के, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद, तो दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसे 3 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम, तो यहाँ से हम डायरेक्ट रख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जब 2a + b का वर्ग खोलेंगे, प्लस 2x × 1/x भी कह सकते हैं, बराबर 9, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, 2 बचा, 2 उधर चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 9 - 7 यानी कि 9 - 2 यानी कि 7 आ जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं बराबर 7। तो देखिए एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर जो हमें निकालना था उसका मान दोस्तों यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, बहुत सिंपल सवाल था ये, शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट शिफ्ट में इसी तरह का सवाल पूछा गया था। यदि ए ने बी को 1600 रुपये 5% की दर से 6 वर्ष के लिए दिए हों तो साधारण ब्याज क्या चाहिए। तो दोस्तों, SI बराबर होता है PRT/100, ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पी दुआ हुआ है 1600 मूलधन, दर दी हुई है 5, टाइम दे रखा है 100, इसे तो वैसे भी निकाल सकते थे, 16 × 5 = 80 और 8 × 6 = 48, यानी 480 रुपये साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन था इसी तरह का था, 16 मजदूर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 9 मजदूर उसी काम को कितना करते हैं। दोस्तों, मैंने MDH वाला बताया था आपको, NDH और M1D1 और H1, ये फार्मूला, तो उसी में लगा देंगे। 16 मजदूर एक काम को करते हैं आपका 18 दिन में, तो 9 मजदूर उसी काम को, सेम काम है, कितने दिन में करेंगे, सीधा है 9 × 2 = 18 और 16 × 2 = 32, तो 32 दिन में करेंगे, सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन था, यदि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसे 48 दिन में करता है, यदि वे बारी बारी से काम करें तो वो कितने दिन में कर देंगे। तो दोस्तों, ए करता है आपका, या मैं ए रख लूँगा या बी कर दूँगा, ए करता है 16 दिन में, बी करता है 48 दिन में, दोनों का LCM ले लेंगे तो आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 1 48 सेकंड का और 16 × 48, ठीक है। तो एक आदमी वो काम करता है 3 और 1 = 4, ये कुल काम हो गया, ठीक है, ये वाला जो है वो आपका कुल काम है, ये ध्यान रखिएगा, 3 और 1 = 4, ठीक है। तो एक आदमी काम करता है 4 दिन में, ठीक है, तो यहाँ से हम कुल काम लगाएंगे तो 4 काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 4 × 1 = 4 और 4 = 8,
बारह चौक 48, ठीक है, 12 काम, ठीक है, लेकिन ये काम करता एक आदमी, अब दो करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है, तो अगर बारी बारी से करें तो वो 24 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, यदि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ चाहिए, माना कि 100 रुपये है और 10% की हानि बेचता है तो वो 90 में बेचेगा और यहाँ पर उसे चाहिए इसी 100 रुपये पर 20% का लाभ, इस तरह से चाहिए। तो दोस्तों सिंपल है, आप सीधा कर दीजिएगा, 2700 × 120 का लाभ चाहिए, 10% की से हानि हो रही है, जीरो से जीरो कट गया, 9 × 3 = 27, 12 × 3 = 3600 रुपये में उसे बेचनी पड़ेगी, ठीक है, 20% का लाभ चाहिए। तो एक क्वेश्चन था दोस्तों, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 132 मीटर और 108 मीटर है, यदि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ रही है तो एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। तो दोस्तों जब दूसरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है तो वो दोस्तों आपको मालूम है, मैंने बता दिया था, दोनों की जो दूरियाँ हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी कि टोटल अगर मैं दूरी की बात करूँ तो टोटल दूरी कितनी होगी, 132 + 108 = जोड़ लेंगे 8 × 2 = 10 × 4 × 2 = 240, ठीक है, 240 ये कुल दूरी हो गई। अब आपकी चाल या स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी होगी, तो दोस्तों स्पीड भी जुड़ जाएगी, अब एक दूसरे के विपरीत तो 40 + 32, ठीक है, ये हो गई आपकी 72, ठीक है। हमारा जो समय आ रहा है, जो लंबाई हमारी मीटर में है, तो निश्चित रूप से हमें मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा, तो 72 × 5/18, ये इस तरह की इक्वेशन होती है, सीधा 18 से कट सकता है, तो 4×5 = 20, तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई, ठीक है। अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो दूरी हमारे पास कितनी टी, दूरी कितनी है 240, समय कितना है 20, तो 20 × 20 और 20 × 40, तो दोस्तों 12 सेकंड का समय एक दूसरे को पार करने में लगा, इस तरह का क्वेश्चन ट्रेन वाला था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार फुटबॉल के मैदान पर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सिंपल है दोस्तों, वर्ग के आकार का है का स्क्वायर हो जाएगा कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है, इसे हम सीधा रख सकते हैं, भुजा के स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज कर देंगे, टोटल को 4400, ठीक है, यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी 210 मीटर, ठीक है। अब हमें परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, पैरामीटर, यानी कि जो लंबाई परिमाप, उसका परिमाप हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्गाकार फुटबॉल मैदान का जो परिमाप है, परिमाप कैसे निकालते हैं, 4 × जो मैदान की लंबाई होती है उससे हम चारों तरफ की गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 4 × 210 यानी कि 4 × 0 = 0, 4×1 = 4×2 = 8, ठीक है, 840 मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी अगर हमें चारों ओर वर्ग के आकार जो चारों ओर अगर हमें बाड़ लगानी है। तो दोस्तों ये अभी तक हमें क्वेश्चंस मिल पाए हैं, जैसे ही हमें अदर क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन और है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, चलिए, एक क्वेश्चन और है कि यदि राम और श्याम की आमदनी 8:11 है, यदि उनका खर्च जो है वो दोस्तों ये 7:10 है, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, 7:10, ठीक है, यदि वो दोनों 1000 रुपये बचाते हैं तो राम की आय क्या होगी। तो दोस्तों आमदनी क्या होती है, आमदनी जो खर्च होता है वो क्या होता है, आमदनी माइनस बचत, ठीक है, ये हमारा बराबर होता है खर्च के। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फिट करिए, तो देखिए 8x -, ठीक है, 8x - 1000 / 11x - 1000 = कर देंगे 7/10 के जो खर्च का अनुपात है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80x - 10000, 77x - 7000, ठीक है, ये 3x, इसे हम कह सकते हैं 3x = उधर ले जाएंगे 3000, तो x = आपका आ जाएगा 1000, x = 1000,
राम की आमदनी पूछी है, तो राम का आमदनी कितनी है, 8x, तो 8 × 1000 यानी कि राम की आमदनी हो जाएगी 8000। तो दोस्तों इस तरह के आरआरबी में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो चंद सेकंड में आप हल कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली शिफ्ट में भी जैसे ही हमारे पास अपडेट आता है, जैसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, हम आपके साथ जरूर शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।